प्रधानमंत्री ने कहा कोयला मामले पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ से मुलाकात का आखिरी फैसला जमीनी हकीकत के आकलन के बाद। अगले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को बताया प्रधानमंत्री पद के लिए आदर्श पसंद। मुजफ्फरनगर में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प में 9 लोगों की मौत की खबर। हिंसाग्रस्त इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की शांति बनाए रखने की अपील। घाटी में छाया प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन मेहता के संगीत का जादू। श्रीनगर के ऐतिहासिक शालीमार बाग में आयोजित हुआ एहसास ए कश्मीर कार्यक्रम। राज्यसभा हुई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान पारित हुए 18 विधेयक। ऑस्ट्रेलिया में कंजर्वेटिव पार्टी के टोनी एबॉट ने प्रधानमंत्री केविन रट को दी शिकस्त। लेबर पार्टी के 6 साल के शासन का हुआ अंत। और यूएस ओपन में लिएंडर पेस और रॉडी स्टेपनिक की जोड़ी पुरुषों के डबल्स फाइनल में। महिलाओं के सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में सेरेना विलियम्स भिड़ेंगी विक्टोरिया अजारेंका से। नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बीच होगा सोमवार को पुरुष एकल का खिताबी मुकाबला।